हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंस एक्ट 2021 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 194P, जो कि सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट देता था ITR फाइलिंग से। इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का मकसद था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अब कंपलसरी नहीं है ITR फाइलिंग करना, अगर वो चाहें तो फाइल कर सकते हैं, वरना बैंक आपके बिहाफ पर आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कराएगा। अब सेक्शन 194P में जो सीनियर सिटीजन्स की डेफिनेशन ली गई है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर 60 प्लस लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पर इंक्लूड किया गया है 75 या 75 प्लस वाले लोगों को। अगर आपकी एज 75 है या आप 75 अबव हैं तभी आप सेक्शन 194P का बेनिफिट ले सकते हैं। अब सेक्शन कहता है कि अगर आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं और पेंशन और इंटरेस्ट ऑन FD के अलावा आपको और कोई दूसरी इनकम नहीं हो रही है, आपके सिर्फ दो इनकम आती हैं, एक तो पेंशन से आती है और दूसरी FD के इंटरेस्ट से आती है। साथ ही एक और कंडीशन भी है कि आपको जो FD का इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसी बैंक से आपको मिलना चाहिए जिससे कि आपको पेंशन मिल रही है। मतलब आपको पेंशन मिल रही है, साथ ही आपने FDs करवाई हुई हैं सेम बैंक के अंदर और वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तब आप सेक्शन 194P का बेनिफिट ले सकते हैं और आपको ज़रूरी नहीं है ITR फाइलिंग करना। लेकिन इन केस अगर किसी दूसरे बैंक से आपको FD का इंटरेस्ट आ रहा है या आपको कोई और अदर इनकम हो रही है, जैसे कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है या आपको कोई प्रोफेशनल इनकम हो रही है, कोई बिजनेस इनकम हो रही है, तब सेक्शन 194P आपके लिए नहीं है, आपको कंपलसरी होगा ITR फाइलिंग करना। तो सेक्शन 194P का बेनिफिट कौन लोग ले सकते हैं? जो कि 75 हैं या 75 प्लस हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनकी पेंशन से इनकम हो रही है, सेम बैंक में ही उनकी FD के इंटरेस्ट से इनकम हो रही है, इस तरह के लोग सेक्शन 194P का बेनिफिट ले सकते हैं और ITR फाइलिंग से उन्हें राहत दी गई है। अब सेक्शन 194P का बेनिफिट आप कैसे लेंगे? तो इसके लिए आपको अपने बैंक में जहाँ से आपको पेंशन मिल रही है और जहाँ पर आपने FDs बनवाई हुई हैं सेम बैंक में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होगा, जिसमें कि आप अपनी FD का इंटरेस्ट शो करेंगे, आपको पेंशन कितनी मिल रही है वो बताएंगे। साथ ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और आप उनका डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अंडर चैप्टर 6A, तो वो सारे डिडक्शंस आपको वहाँ पर बताने होंगे। वो फॉर्म फिलअप करके आप अपने बैंक में सबमिट कर देंगे तो बैंक आपके बिहाफ पर आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेगा, आपका TDS डिडक्ट करेगा और जितना भी TDS का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सेक्शन तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होगा, कौन से फॉर्म में ये डिक्लेरेशन जमा करना है। तो रिसेंटली इसके लिए नोटिफिकेशन इश्यू हो गया है। 2 सितंबर को नोटिफिकेशन नंबर 99/2021 इशू किया गया है और इस नोटिफिकेशन में CBDT ने डिक्लेरेशन फॉर्म को नोटिफाइड कर दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर पॉइंट में, आफ्टर रूल 26C फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। 26D को इंट्रोड्यूस किया गया है और 26D रूल क्या कहता है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स 194P का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें सबमिट करना होगा फॉर्म नंबर 12BBA इन पेपर फॉर्म में जमा करना है, ऑनलाइन नहीं है ये, पेपर फॉर्म में आपको जमा करना होगा अपने स्पेसिफाइड बैंक में। इसके बाद बैंक आपका कैलकुलेशन करेगा, आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा, आपको जो भी डिडक्शंस उसमें क्लेम करने हैं वो आपके रिटर्न में दिखाएगा। अगर आपका कोई रिबेट बन रहा है अंडर सेक्शन 87A तो वो भी उसमें दिखाया जाएगा। इसके बाद जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। इस नोटिफिकेशन के सेकंड पेज पर जाएंगे तो आपको 12BB का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है, फॉर्म नंबर 12BBA, और यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन अंडर सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194P। यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगी गई हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, पैन और आधार देना होगा, प्रीवियस ईयर देना है, कौन से ईयर के लिए आप ये डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं। ये सेक्शन इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2021 से, तो जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे अगले साल असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। फिलहाल जो हमारा करेंट ईयर चल रहा है असेसमेंट ईयर 21-22, उसके लिए ये डिक्लेरेशन नहीं है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक, बैंक का नाम देना है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉन, कौन से एम्प्लॉयर से आपको पेंशन मिल रही है उसका नाम देना होगा और आपको अपना PPO नंबर देना है। इसके बाद नीचे वेरिफिकेशन है और डेट ऑफ प्लेस है, ये आपका
फॉर्म नंबर 12BBA है, इसे आपको फिलअप करके अपने स्पेसिफाइड बैंक में डिपॉजिट करवाना होगा, सबमिट करवाना होगा, और इसके बिहाफ पर आपका स्पेसिफाइड बैंक आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करवा देगा, डिपॉजिट करवा देगा। आपको खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नेसेसिटी यहाँ पर नहीं होगी। तो बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है 75+ के लोगों के लिए कि बैंक आपके बिहाफ पर सारी कैलकुलेशंस करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। नोटिफिकेशन इशू हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर है 99/2021, जिसमें कि डिक्लेरेशन फॉर्म को नोटिफाइड कर दिया गया है। फॉर्म नंबर है 12BBA, सेक्शन है 194P, जो कि बेनिफिट देता है सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।